अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये फैक्ट्री में कोनो मजदूर का तनख्वाह देना भूल गया था परवेश। उका लुगाई कुमुद को फोन करके उल्टा सीधा सुना दी, इसलिए गुस्सा आ गया उका। कोनो बड़ी बात नहीं ना, ये सब परिवार में चलता रहता है। तुम जाके काम देखो परवेश, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। ठीक नहीं हो तुम लोग, अपने बड़ा भैया के गुलाम, अपने पिताजी को, और इनका बड़ा भैया इनको उंगली उठाकर दिशा दिखाई और चल दी उनके पीछे पीछे। अरे तुम्हारे पिताजी अपना ऋण खाते बेच खाए हैं, जिसका पति इन पर हाथ उठाई है उसी का पति इनका बड़ा भैया वो इनको इशारा किए और चल दिए पीछे लहलाते हुए। यहाँ का कोनो मैटनी सो चल रहा है, जो सब काम धंधा छोड़ के यहाँ सो देखने खड़े हो गए। चल जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम धंधा संभालो। पक ये सब क्या कर रही हैं आप? जिस मकान को अपने खून पसीने से सींच कर घर बनाए रहे उसका छोड़कर जा रहे हैं हम, अपनी बिटिया को साथ लेकर। क्योंकि क्या है ना कि मकान को तो घर बनाए थे, और यहाँ पे रहने वाले आदमी लोग वो तो इंसान बन ही नहीं पाए। अच्छा, तो आप जॉन किए हैं वो तमीज का काम है परवेश पे हाथ उठा के। वो थप्पड़ आपकी वादा खिलाफी के लिए था, और ये बात आप जानते हैं। आप हमसे वादा किए रहे कि जब तक हमारी बिटिया उस लाल दरवाजे के पीछे रहेगी आप उसकी तरफ आग उठाकर भी नहीं देखेंगे। कहे थे ना, तो क्या किए? एक दिन घर से जरा बाहर क्या निकले हम, आपने परवेश को भेज दिया उसे मारने के लिए। आपकी अपनी बेटी है वो। हमारी बेटी नहीं है वो। पर हमारी बेटी तो है ना, और जिस घर में हमारी बेटी का खुलकर सांस लेना मंजूर नहीं उस घर में हमको रहना मंजूर नहीं। इसीलिए हम उसको लेकर यहाँ से जा रहे हैं, उसे बाहर की दुनिया दिखाएंगे, सूरज चांद सितारे देखेगी, खुश रहेगी, जिंदा तो रहेगी। क्योंकि कहा है ना, यहां तो उसकी जिंदा रहने की गारंटी भी नहीं। चकुमत, बहुत हो गया, छोड़ो इसे, छोड़ो। कल पंकजा को लड़के वाले देखने आए रहे, खाम खां समाज में जगहसाई करने का कोनो जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जाएंगे आप, हमारी तरफ देखिए। हम उसे जितना नफरत करते हैं हम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब तक वो कमरा के भीतर अपनी मर्यादा में रहेगी वो काम जीने देंगे। लेकिन अगर वो कमरा की मर्यादा से बाहर निकली तो वो का हमरे से ना तो आपके आंसू और ना ही आप कौनो बचा नहीं पाएगा। बस वादा करते हैं उल्लाद दरवाजे से बाहर कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। आप बस हमारी बिटिया को जीने दीजिए, बस जीने दीजिए। Ha 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 ha
थैंक यू सो मच। अच्छा माँ, आपको एक जादू दिखाए। जादू दिखोगी? बैठो बैठो। अब देखो, यह छोटी सुनैना और ये हो आप। देख रही हो कैसे हमारा हाथ पकड़ा हुआ है? अब जादू देख। ये देखो, आपकी छोटी सुनैना कितनी बड़ी हो तो देखा आपने? ना आपने कभी हमारा हाथ छोड़ा और ना ही हमारे लिए चॉकलेट लाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा। घबरा क्यों रही हो? माँ, वो काला शैतान इसलिए आ पाया था क्योंकि आप नहीं थे, घर में कोई था नहीं। अब उसकी हिम्मत थोड़ी ना होगी आपके होते हुए यहाँ आने की। आप बिल्कुल चिंता मत करो और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। हमको ना एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बताओ ना माँ। माँ क्या हुआ बताओ? वो बेटा, वो हमको तुम्हें इस तहखाने का राज बताना है जो इतने सालों तक छिपा कर रखा है तुमसे। हमारे साथ आ। खिड़की को ठीक से देख ले। हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में अगर तुझे कभी भी खतरा महसूस हो बिटिया, तो ये खिड़की को खोलना और बाहर चले जाना और अपनी जान बचा लेना। माँ मतलब खिड़की के उस पार हमारी आजादी है? हाँ, आजादी नहीं बिटिया, वो पार पेचुरक्षा है। यहाँ से चलकर एक गली आ रहा है जहाँ से तू घर के अंदर पहुंच जाएगी और अपनी जान बचा पाएगी। ओह, अब समझी, ये सिंड्रेला वाली खिड़की है ना माँ?
अरे मतलब जैसे सिंड्रेला राजकुमारी बनकर बाहर घूमने जाती थी और फिर भागकर अपने कमरे में वापस आ जाती थी, ऐसे ही हम भी इस खिड़की से बाहर जा सकते हैं ना माँ? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगा। नहीं 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 नहीं। सुनना मेरी बात, सुन, ये दरवाजा सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए है, इसे गलती से भी मजाक में खोलना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। सिर्फ जब तुझे कोई खतरा महसूस हो, सिर्फ उसी वक्त के लिए बिटिया। हाँ हाँ माँ हाँ, मैं बस मजाक कर रही थी। खिड़की के बाहर तो सिंड्रेला जाती थी, सुनैना सिंड्रेला थोड़ी है, सुनैना तो आपकी सुनैना है। पक्का ना, वादा कर, वादा कर माँ से। वादा माँ, पक्का वाला वादा, सुनैना कोई मस्ती नहीं करती। तो बेटिया ये चाबी ना, ये चाबी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, समझ रही? इधर आ। ये सारा माल आज रात तक ही भिजवा के गोदाम खाली करना है। नेपाल बॉर्डर पे नया माल आ चुका है। अच्छे से बूझते हो परवेश, हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है। अगर तुम हमारे सगे भाई नहीं होते तो ये गोली यहां नहीं तुम्हारा शरीर में धसा हुआ होता। सच में सच में सच में मर जाने के लायक ही है, मार दीजिए हमें। तो इतना मुश्किल से कोनो काम हमारे जिम्मे देते हैं आप, उसमें भी फेल कर गए हम, मार दीजिए हमें भैया। छोड़ो इसे, मन है तो हमारा जान ले लीजिए, उफ तक नहीं करेंगे। पर अपना माथा को ऐसे गर्म मत कीजिए, फालतू बीपी बढ़ जाएगा। जान हो गया उसको भूल जाओ परवेश, जान होना है पे ध्यान दो। पंकजा का मुंह दिखाई संभालो तुम, राजकुमारी जी अपने बिटवा के साथों को देखने आ रही हैं, वो देखो, बाकी हम देख लेंगे। इक्कीस साल इतना बड़ा बोझ आपके ऊपर था और हमको दिखाई तक ना दिया, थूए हम पर। अब हमको हमराज जो बनाए हैं, वादा करते हैं भैया वो कलंक को मिटा के रहेंगे। इक्कीस साल से उन नासूर के साथ तो जी ही रहे हैं, थोड़ा वक्त और सही, मारेंगे तो को हम हैं, लेकिन कोनो ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कभी भी खतरा महसूस हो बिटिया तो ही खिड़की को खोलना और बाहर चली जाना। मतलब हम भी इस खिड़की से बाहर जा सकते हैं ना माँ? बिल्कुल नहीं सुने ना, ये दरवाजा सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए है, इसे गलती से भी मजाक में खोलना मत, वरना अनर्थ हो जाएगा।
आपको पता है कान्हा जी, हम इस चाबी से ना इस दुनिया से उस दुनिया में जा सकते हैं। वही दुनिया जिसे देखने के सपने हम बचपन से देख रहे हैं। और माँ कहती है ना, बिना वजह इस दुनिया में कुछ नहीं होता। कान्हा जी, क्या इतनी बड़ी चीज होती है वजह? अगर हाँ तो हमें भी एक वजह दे दीजिए, जैसे माँ के पास एक वजह है हमें यहाँ से बाहर ना निकलने देने की। ऐसे प्लीज प्लीज सुनैना को भी एक वजह दे दो यहाँ से बाहर निकलने की, प्लीज करना जी। कहा इतना ढीला ढाला काम कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। और तुम अभी तक माला नहीं लटकाए हो, जल्दी से माला लटकाओ वरना ये जो सीढ़ी है ना इसको हम गिरा देंगे, फिर झूमर की तरह ऊपर ही लटके रह जाओगे तुम। हे भगवान, भरी जवानी में पिलपिले आम जैसा तो उपसेहत है तुम्हारा, तो लहला के तो गिरोगे ही ना। ओए तुम चढ़ो इस सीढ़ी पर, खड़े खड़े हमरा मुंह का ताक रहे हो, सीढ़ी पर चढ़ो और माला लटकाओ। रमूला, ए लंबू, तुम ही से कह रहे हैं हम, जाओ जाकर सीढ़ी पर चढ़ो और जल्द से लेके जाओ तुम लोग इसको। रमूला, एक बेचारा पहले ही गिर गया है, फिर भी शर्म नहीं आई, दूसरे को ऊपर चढ़ा रही हो, ये भी गिर गया तो क्या कीजिएगा दीदी, हमको भी हमरे पति की तरह थप्पड़ मारिएगा। फूंक मारने से पहाड़ नहीं उठता, जितना भी गुस्सा करके जल भून लो, करेंगे तो हम वही जो हमको करना है, बूझ लो अच्छे से। लो बरसात भी ले लो। तुम जल्दी से अपना काम फिनिश करो। कचा भाई तक तैयार हुई है कि नहीं? मम्मा, दीदी की ना प्रिंसेस बनने की तैयारियां शुरू है, लगता है ये दोनों ना उन्हें सिंड्रेला बना के ही छोड़ेगी आज। लेकिन आज ऐसा क्या होने वाला है हमारे साथ कान्हा जी? कहाँ बड़बड़ा रही है? सुने ना, उठो। चलो उठो ना, कब से उठा रही हो? उठो, चलो उठो यहाँ से, चलो चलो। क्या माँ, दो मिनट देर से नहीं उठा सकती थी? पता है कान्हा जी हमें बोल रहे थे कि आज हमारा जीवन बदलने वाला है, तो हमने भी पूछ लिया कैसे, आंसर देने ही वाले थे कि आपने उठा दिया। कि आलतू फालतू बातें ना करना बंद कर, जा जाकर मुंह धो कर आ, जा चल। हाँ माँ। चलो। अरे वाह, हलवाई लगा ली हो क्या? सुबह सुबह इतना सारा वैरायटी का नाश्ता।
जो चमचम है ना, सुनैना की फेवरेट। ए, 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 रुको रुको रुको, जाओ जाकर हाथ मुंह धोकर आओ पहले। जाओ माँ। जाओ, आज पंकजा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए ये सब अलग अलग तरह के पकवान बनाए घर पर। अभी बोलूंगी तो मानेंगी, पर एक बार तो पंकजा के होने वाले पति को देखने का हक सुनैना का भी बनता है ना। तानी कैसा दिखता होगा, सुनैना को क्या पता, सुनैना ने तो आज तक लड़का भी नहीं देखा। पर इस बार मैं उसे देख कर रहूंगी। कान्हा जी, अब अपनी सुनैना के लिए इतना भी नहीं करोगे आप, हमें नहीं पता, कुछ ना कुछ करो, सब आपकी जिम्मेदारी है। अरे सुनैना वहाँ खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं माँ, सुनैना बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? जाना जल्दी। अगर भगवान ने तुम्हें ये अभिशाप ना दिया होता तो आज पंकजा की जगह ये लड़का तुम्हें देखने आ रहा होता।